भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं, इस पर कैसे लगाम लगेगी? ऐसी ही एक घूसखोरी की एक घटना हमारे सामने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बहाई चौकी से आ रही है, जहां बहाई चौकी के इंचार्ज का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। क्षेत्राधिकारी को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है। SI पर निलंबन की तलवार लटक रही है। बहाई चौकी के इंचार्ज अलाउद्दीन है, उन्हीं का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह चौकी के भीतर कमरे में लुंगी और बनियान पहने बैठे हैं। वह रंजीत नाम के व्यक्ति का नाम लेते हुए हालचाल पूछते हैं, फिर काम रुकवाने के नाम पर कहते हैं कि सुबह सुबह कुछ बोहनी बट्टा कराओ, फिर देखते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति उन्हें रुपए देता है, जिस पर वह कहते हैं कि यह क्या दे रहे हो। वह व्यक्ति कहता है कि साहब दिहाड़ी मजदूर हूँ, राजमिस्त्री हूँ, जिस पर अलाउद्दीन रुपए लेकर रख लेते हैं। कहते हैं कि ठीक है, मैं जाकर मना कर दूंगा, जितना गिर चुका है उसके आगे अब नहीं बनाएगा। यह वीडियो लगभग 2 माह पहले का बताया जा रहा है। इस बाबत SP स्वप्निल मंगाई ने कहा कि बहाई चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाएगा। CO लक्ष्मीकांत गौतम को जांच दी गई, उनकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही होगी। बहाई चौकी इंचार्ज SP ने वायरल वीडियो में जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। कन्हैयालाल यादव को दुलंगा प्रसाद, इनका का भूमिका है सर, नहीं जो हमारे पिताजी कुटी बनाए थे उसको बेच दिया है उसके नाम, जबकि कोई कन्हैयालाल ने, हाँ कन्हैयालाल का लगते हैं आपके तो ये भीखी के हैं ऐसे, हाँ अच्छा कन्हैयालाल के भीखी विजय पुत्र गंगा प्रसाद, ये जमीन इसमें पूरे पूरे भीखी भर पूरे राना में, ये पूरे राना में जमीन, हाँ तो कह सकना कि कोई और काम ना कर पाऊँ। हाँ सर, हमारा गन्ना कोर्ट में चल रहा है, तो चाहे हम हो चाहे वो, नंबर आपका लिखा ही है। हाँ ला सुबह सुबह कुछ बहुत भत्ता कराओ, फिर देखते हैं आज हम आपको, ठीक है ठीक। रंजीत? हाँ दादा। और बताओ सब ठीक है? दादा सब ठीक ठाक है। तुम्हारे पापा पापा जो है शादी हुई है 12 जुलाई से, आपको बतावा जुलाई के बाद अगस्त था, सितंबर बीता या अक्टूबर, सूचना मिली लोगों के द्वारा बाहर बाहर कि वहाँ पे हैं गंगा उस पार हैं लोग, गए ना तो गए वही पार, तो जानकारी मिली मान लीजिए। दिहाड़ी मजदूर हैं, काम में जाते हैं तो हम से कहीं राजमिस्त्री हो, हम कब लौटते हो ड्यूटी से? हाँ सर, ड्यूटी से कब से लौटते हो? शाम को ड्यूटी 5:30-6 बज जाता है। 5:30-6? हाँ। और अच्छा, हमको आना होगा, फोन करेंगे। कैसे जाते हो, मोटरसाइकिल जाते हो? साइकिल से? नहीं साइकिल से, एक चार था आया वहाँ से। अच्छा, ये बड़े सर को दिया जा रहा है, आज हमारे पास ही दरखास्त आई, ठीक है चलो हम देखते हैं। और मजदूरी करने जाओ, अकाल मुक्त रहो अपना, ठीक। और किस दिन फुर्सत हो रहते हो सर? ये तो कोई सरकारी नौकरी है नहीं, जैसे हम काम ना हुआ घर में तो काम मिल गया तो काम करते हो। हम जाग मना कर देंगे उन्होंने, दोबारा भी काम जो मिट्टी टुकड़ा दिए उठा दिए वो हमने हाँ उसको वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया। अब वो मतलब अब जो गिर गया अब से नहीं गिरा। हाँ सर, ठीक है, उसमें होना हम ना हो, ठीक। नमस्ते, ठीक। नमस्ते, एक वीडियो आया है जिसमें एक चौकी इंचार्ज जो है रुपए ले रहे हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जाएगी विभाग द्वारा? जैसा एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पे जो लालगंज थाना क्षेत्र के बहाई चौकी है वहाँ के सब इंस्पेक्टर अलाउद्दीन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति से कुछ पैसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे वीडियो में, इस वीडियो की जाँच करा करके संबंधित अधिकारी का यदि दोष पाया जाता है तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सर, इसमें जो वाइस आ रही थी वो पैसे मांगने कह रहे थे बोहनी कराने, ये पूरे वीडियो की जांच क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा की जाएगी और उसमें जितने भी शब्द आए हैं या जितने भी तथ्य आए हैं सबके बारे में उसको बताया जाएगा कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट में
और उस रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसार फिर जैसे भी होगा कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।